आज हमारे साथ मौजूद है रियासत की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा जनाब सतीश जारकिहोली साहब। सतीश जारकिहोली साहब आज घूम फिर कर कैनवासिंग कर रहे थे, प्रचार सभा को संबोधित कर रहे थे। सर, हमने भी देखा कि कई सारे जगह पर जाकर कांग्रेस के लिए तो बहुत बेहतर है, फिर भी और थोड़ी कोशिश होनी चाहिए थी ऐसे में। चुनाव तो ऐसा नहीं है, जितना भी हम कोशिश करें कम है, कोशिश करना चाहिए आखिरी पंत तक, तभी उसके नतीजे निकल के आए। कई जगह पर हमने देखा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का असर भी थोड़ा बहुत है, कांग्रेस को बेहतर परफॉर्मेंस कर दिया, बलराम को या छपोली दोनों सीटें तो आती हैं और तकरीबन 1500 के करीब एक सर्वे भी बता रहे हैं आपके हिसाब से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दूसरी कोशिशें वहाँ पर भी जारी हैं क्योंकि ज़मीनी सतह पर 5 गारंटी का लाभ तो लोग ले रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको मोदी गारंटी के तौर पर पेश करने की कोशिश भी जारी है सर, क्योंकि कई जगह पर हमने देखा कि पथनाट्य सड़क के ऊपर ड्रामा करके मोदी की अहमियत को ज़्यादा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो व्हाट्सएप में तो गलत चीज़ें आते रहते हैं, गलत न्यूज, गलत होते रहते हैं, मगर लोग तो समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है मोदी का ये कार्यक्रम है, मोदी जी ने किया है, ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस का है, सिद्धरामैया सरकार का है, हमारा है, जानते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम हर महीने हम 5 गारंटी को दे रहे हैं, खास करके महिला से। फिर भी आप इस तरह से सर हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं, सर इंडिया का गठबंधन होने की बात कर रहे हैं, कर्म करने अच्छे से हुकूमत में आप हैं तो उसका असर तो रहता ही, लेकिन सरकार बनाने तक आपके पास ऐसी क्या है? नहीं देखेंगे, ऐसा तो नहीं है, कर्नाटक में ऐसा ही माहौल था शुरुआत में, शुरुआत में ऐसे ही था, मगर किसी को अंदाजा नहीं था इतना सीट आ जाएंगे, हो सकता है उधर भी चमत्कार, लोग तो नाराज है 10 साल मोदी जी का सरकार का, ऐसा नहीं है, सब तो पहले जिंदगी चाहिए, बाद में राजनीतिक, बाद में धर्म, भाषा, जात, अंधभक्त बहुत है, फिर भी उनको भी कभी कभी तो असर हो जाएंगे, हम गलत कर रहे हैं, शायद 2 दिन आ जाएंगे। सर, चुनाव तो दोनों तरफ आप खास कर रियासत की बात तो खैर अपने बलराम और दोनों तरफ की जीत तो दर्ज कर रहे हैं, सर्वे भी है सर, आपको क्या लगता है बड़े के साथ आप जीतेंगे या फिर? हम उम्मीद करते हैं, हम तो उम्मीद करते हैं बड़े लीग से आएंगे, जनता का सरकार है, कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए काम किया है, हमारे साथ भाजपा के बुजुर्ग कई किरणा कराड़ी साहब मौजूद हैं। मैं यहाँ वहाँ की बातें न करते हुए सीधे सवाल करूँगा सर कि जिस तरह से कहा जाता है कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बातें की जाती है, लेकिन किसी एक भी मुस्लिम को टिकट आपकी पार्टी की तरफ से नहीं दिया जाता, क्यों सर? क्या है आप अगर एक दोहरा मापदंड नजर नहीं आता? ये पहले से हमारे विरोधी लोगों ने हमारे बीच थोड़ा गैप रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या है बीजेपी पहले से मुस्लिम विरोधी ऐसा बोल बोल के हमारा नजदीक नहीं आया, इसलिए वो लीडरशिप भी डेवलपमेंट होना चाहिए। ये लोकसभा चुनाव बहुत 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं, 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रभावी लोग हमारे पास ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ अभी, इसलिए हम माइनॉरिटी मोर्चा का एक सेल बनाया हमारे पार्टी में, वही इसके हिसाब से हम वो नेतृत्व बड़ा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और नीचे कोई MLA भी है हमारे पास, और कर्नाटक में नहीं देश में बहुत लोग जगह में और माइनॉरिटी का MLA भी है मेरे पास, और लोकल बॉडी में उनका पात्र बहुत ज़्यादा चल रहा है। पहले सिकंदरबाद था, फिर बाद में मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, इनको भी तो साइड लाइन किया जा रहा है सर? नहीं, वो नया नेतृत्व के लिए जगह ऐसा खाली होते रहते हैं, लेकिन हम पहली बार, आप सुनिए, मुख्तार अब्बास नकवी और क्या आपने शाहनवाज हुसैन, इतना छोटा आयु में उनको बड़ा नेतृत्व दिया हमने, ऐसा और अलग अलग स्टेट में है कर्नाटक में थोड़ा उसके बारे में कम है, वो ज़्यादा करने के लिए हम प्रयास करते हैं। आपके मैं बहुत अहम सवाल पूछना चाहूँगा सर, जिस तरह से MED है, CID है, NIA है, इस तरह से सरकारी एजेंसियों का गलत फायदा उठाकर लोगों को डरा करते हैं,
फिर एक इलेक्ट्रल बॉन्ड का बड़ा हंगामा किया गया, इससे पार्टी को अपने नुकसान होगा या जो सरकारी एजेंसियां दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक स्वतंत्र संस्था है, आप लोगों का प्रेशर है, क्या प्रेशर? उसमें प्रेशर का बात नहीं है, फिर सिर्फ ये विपक्ष के लोगों पर ही क्यों रेड? आपके ऊपर विदाउट इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं कर सकते, ये इस देश में न्यायालय है, न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय में आपको न्यायालय पर भी आप ही का दावा नहीं करते, ऐसा नहीं, वो विरोध पार्टी का ऐसा है, एक बार उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाए, इमरजेंसी के काल में क्या क्या किया मालूम है आपको? वो संविधान के बारे में उन्होंने बात करते, बीजेपी वाले संविधान विरोधी है, बीजेपी वाले संविधान बदलाव करते, सुनिए सुनिए, वो संविधान का पहला बदलाव उन्होंने किया कांग्रेस वाले, कब देश में तुर्त परिस्थिति था, इमरजेंसी था, इमरजेंसी के काल में उन्होंने जात्यातीत और क्या समाजवाद वो दो सब इंक्लूड किया, कैसा किया? वो अपोजिशन पार्टी सारे जेल में था, बंदी में था, उसी टाइम वो देश में कौन अधिकार चला रहे वो लोग ऐसा किया, तो इसलिए आप करना चाहते? नहीं 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 करते, उनको ऐसा डर है, हमने ऐसा दुरुपयोग किया, उन्होंने भी दुरुपयोग करते, उनके मन में भय है, लेकिन मोदी प्रजातंत्र व्यवस्था के ऊपर विश्वास रखे, इसलिए हम सब पूरी दुनिया में हिटलर साइड की तरफ जा रहे हैं, हिटलर लाइक नाज़ी क्या है, उन्होंने चर्चा करने के लिए मुद्दा नहीं है उनके पास, और देश के मीडिया भी तो नहीं 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 वो क्या है वो ऐसा वो थोड़ा मीडिया ऐसा करते हैं उनके ऊपर, मैं बोलना चाहते हैं मोदी के सामने लड़ाई करने के लिए वो राजनीति करने के लिए कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है गठबंधन के पास, गठबंधन अभी अच्छा गठबंधन नहीं हो रहा है, इसलिए उनके मुद्दे नहीं है उनके पास बात करने के लिए, ऐसा जन का वो मन डाइवर्ट करने के लिए ऐसा बात करते हैं। अभी आपने कहा कि मुल्क जो है तरक्की की राह पर चल रहे, पांचवें नंबर पर आ चुका है 11 नंबर, लेकिन पूरा रिपोर्ट ये कहता है सर हंगर इंडेक्स में हम और नीचे जा चुके हैं, गरीब देश की फहरिस्त में आ चुके हैं, बांग्लादेश से पीछे हमारी जिंदगी जा रही है, इस तरह की बातें की जा रही है। एक बार हमारा नजदीक के देशों में स्थिति आप देखिए, पाकिस्तान, बांग्ला, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, पेट्रोल का भाव कितना है और अनाज का भाव कितना है, वो देखने के बाद आपको मालूम होते ना क्या चल रहा है और हमारा प्रोडक्शन क्या है, किसान ने कितना प्रोडक्शन किया हमारा धान का, तो किसान विरोधी वो सरकार कहा जाता है, वो थोड़ा लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं किसान के लिए, वो हमारे किसान के लिए एक फायदा जारी किया, उन्होंने अपोज किया, इसलिए मोदी ने विड्रॉ किया, लेकिन हमारा क्या लक्ष्य है वो स्वामीनाथन क्या डिसीजन लिया, एक स्वामीनाथन आयोग ने एक किसान कितना खर्च करते उनका, पाकिस्तान, बांग्ला, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, पेट्रोल का भाव कितना है और अनाज का भाव कितना है, वो देखने के बाद आपको मालूम होते ना क्या चल रहा है और हमारा प्रोडक्शन क्या है, किसान ने कितना प्रोडक्शन किया हमारा धान का, तो किसान विरोधी वो सरकार कहा जाता है, वो थोड़ा लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं किसान के लिए, वो हमारे किसान के लिए एक फायदा जारी किया, उन्होंने अपोज किया, इसलिए मोदी ने विड्रॉ किया, लेकिन हमारा क्या लक्ष्य है वो स्वामीनाथन क्या डिसीजन लिया, एक स्वामीनाथन आयोग ने ये किसान कितना खर्च करते उनका कल्टीवेशन के लिए, वो खर्च के डेढ़ भाव ज़्यादा होना चाहिए उनका रिपोर्ट का, वो रिपोर्ट के ऊपर हमें काम कर रहे हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट था उस टाइम उन्होंने रिपोर्ट दिया लेकिन उन्होंने नहीं देखी, इसलिए हम वो रिपोर्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि सर 6 लाख लोग जो भी कर सकते हैं भारत छोड़कर कैनेडा छोड़ रहे हैं दूसरी जगह पर, और दूसरी तरफ आप जो है अमेंडमेंट बिल के जरिए से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को देखेंगे, भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ के जो कारोबारी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको बचाने के बजाय जो बाहर से आपको लाने का, ये कहाँ से नहीं इंडस्ट्री का माल बात अलग है और सीए का बात अलग है, सीए का क्या है हमारे नजदीक देशों में बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों में ऊपर दबाव चल रहे हैं, उनको उनके ऊपर अत्याचार चल रहे हैं, उनके हित के लिए वो बिल लाए, तो देश के अंदर क्या है
उनके ऊपर क्या दबाव चल रहे हैं, अत्याचार चल रहे हैं, उनको उत्तराक्षण के लिए वो बिल लाए, वो इंडस्ट्री का बात नहीं है। आखिरी सवाल, नए नए बेरोजगारी और भूख मरीज जैसे सवाल आते हैं, लेकिन आपका हमेशा मैनिफेस्टो देता जाता है कि आप 370 पर बात करते हैं, बात करते हैं, इससे पहले भी जो है हिजा भला जनता, तो ये बुनियादी जो सहूलत है, जो बुनियादी सवाल हैं इंसानों की जरूरत, तो उस पर क्यों बात नहीं होती? हमने इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन अपोजिशन वाले वो लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने मुद्दा उठते, उसके बाद मीडिया उसके पीछे पड़ते। लेकिन मोदी जी का सोच ये है, वो समाज का अंत्योदय क्या होता है, वो अंत का आदमी को भी लाभ उठाने के लिए क्या क्या योजना, 2014 से 2014 से 10 साल के लिए आप मोदी साहब के बने वजीर आजम मोदी साहब के वीडियोज में देखते होंगे, पहले वो 50 दिन मांगे, 3 साढ़े दिन मांगे, आप 2023 में आकर और 5 साल मांगे, और कितने साल चाहिए? नहीं, क्या क्या देश हालत इतना गलत काम के तो जैसे देश हाला गया, इसी के हाँ बर्बाद हुआ, इसी के कारण रिपेयरिंग होने के टाइम लगा उनको 10 साल और 5 साल में रियल उन्होंने बताया ना लास्ट में वो ट्रेलर हो गया, फीचर अभी बाकी है करते हैं, वही डेवलपमेंट का ध्यान रखेंगे। चलो इसके बाद और इलेक्शन होगा 2024 में भाजपा को हराना जरूरी, करे का इलेक्शन नहीं हुआ, उनका एज रिटायर्ड हो रही है इसलिए वो बोल रहे हैं। आखिरी सवाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे संजय पाटिल ने कहा कि लक्ष्मी भारत के मैप को लेकर कि ये एक पैग लेकर सोना चाहिए, क्या ये एनर्जी ड्रिंक के बारे में था? नहीं, उन्होंने इसके बारे में उन्होंने रिप्लाई दिया, इसलिए हम आगे बात करने के लिए नहीं चाहते। और उसके बाद भी क्या गड़बड़ हुआ, उनके कांग्रेस का लोग उनके घर के सामने बैठ के बहुत डर्टी शब्द प्रयोग किया, वो भी गलत है, ये भी गलत है, ऐसा राजनीति में नहीं चलते, नहीं करेंगे।